400 सीट जाएगा मोदी जी के 400 पार एग्जाम की रुकेंगे नहीं। यहाँ ऐसी नचनिया भाई जानिया सो जाएगा, नचनिया भाई जानिया को इसमें सीट है, बहुत हवा बहा दिए। कौन सी नचनिया बजाना वैल्यू नहीं है, नचनिया बजानिया हाँ वैल्यू नहीं है। हम कोहरा काट के बेटा है नहीं है, उन्हें 10 लाख रुपए रकम भाई जाता है। अब की बार किसी को दाल करने वाला नहीं है, कोई को दाल नहीं करने वाला। खाना बनवाए, रोड बनवाए, बिजली माफ किए, चावल दिए। दोस्तों मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं स्वस्थ हो गए। अभी हम काराकाट में हैं। समझिए कि छठे चरण का चुनाव पूरे देश में संपन्न हो चुका है, सातवें चरण में काराकाट में चुनाव है। आज भारत के सिंह आ रहे हैं काराकाट में, ये काराकाट हॉट सीट बन गया है। ये चचा साहब मिले हैं, इन सबसे जानेंगे क्या माहौल लग रहा है काराकाट का, क्या माहौल लग रहा है भैया? माहौल ठीक है, एनडीए के पक्ष में है। कौन बन रहा है यहाँ से सांसद? सांसद उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे तो हॉट सीट बन गया, पवन सिंह के नाम सब ले रहा है। बना हुआ है हॉट सीट, बना हुआ है हॉट सीट, हॉट बना हुआ है। पवन सिंह जीतेंगे लेकिन हमारे हिसाब से तो लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। आपके हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा? बिल्कुल एनडीए का माहौल है, बिल्कुल एनडीए के पक्ष में माहौल है, एनडीए के पक्ष में माहौल। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे, क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? एकदम बिल्कुल करेंगे। विपक्ष इधर 150 पार का नारा बोल रहा है कि मोदी जी 150 पार नहीं बन पाएंगे। विपक्ष 15 साल से बोल रहा है, विपक्ष तो 15 साल से बोल रहा है लेकिन हमेशा बीजेपी की सरकार बनती है, इस बार भी बनेगी। इस बार तीसरा बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहिएगा भैया, क्या माहौल लग रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं, सिलेंडर साहब जीत रहे हैं। हाँ एकदम माहौल है, हम लोग बीजेपी के भक्त हैं, मोदी के, माने मोदी जी के भक्त है। तब पवन सिंह तो शुरू ले, हम लोग पवन सिंह तो बहुत गर्दा उड़ा हवा बना दिए हुए हैं। हीरो है तो हीरो भी तो गर्दा रहबे ना करेगा। बीजेपी के बात पर रहते तो फिर यहाँ पर क्यों आते आसनसोल छोड़ कर? इसलिए उनसे जनता इन्वाइट है, नाखुश है आपका पवन सिंह? नाखुश इसलिए है कि पार्टी के मोदी के बात नहीं मान करके निर्दलीय से लड़ रहे हैं। हाँ यही से नाखुश है जनता। हाँ यहाँ से बन जाएंगे उपेंद्र जी? हाँ उपेंद्र कुशवाहा एकदम बिल्कुल बनेंगे, मोदी के नाम पर बिल्कुल बनेंगे। उपेंद्र मोदी के नाम पर बनेंगे? वो सांसद है तो विकास किए कि नहीं? विकास किया है लेकिन मोदी के नाम पर वोट हो रहा है। मोदी के नाम पे? हाँ मोदी के नाम, सांसद के नाम पे वोट नहीं? ना मोदी केवल मोदी। माले से राजा राम सिंह कह रहे हैं कि हम बन रहे हैं। अरे राजा राम जीत के क्या करेंगे? हाँ। लालू यादव कहेगा कि किनारे बैठो, तुम लोग कुर्सी नहीं मिलने वाला है, किनारे बैठो। कौन करके जनता क्या भलाई करेंगे? कोई नौ को विधायक जीते थे उसमें एको को मंत्री नहीं बनाए, एक भी मंत्री नहीं बने लालू रीजन में, तके हम उसको दे क्यों दे? लालू यादव कहता है कि मेरा सरकार बन रहा है, जुमलाबाजी कर रहा है, उसको तो बेल खेल होने वाला है, वो तो अंदर जाने वाला है, तो उसके साथ हम क्यों देंगे? क्या माहौल चचा लग रहा है, काहे आप नहीं बोलना चाहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, कौन बन रहा है काराकाट से? उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा। हवा तो सब करा पवन सिंह के बह रहा है, नचनिया भाई जानिया सो जाएगा, नचनिया भाई जानिया सीट है, बहुत हवा बहा दिए हुए हैं, हॉट हवा बहा दिए हुए हैं, हवा बहाने से नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा जी हाँ प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस बार मोदी जी? एकदम क्लियर बा, लालू यादव तो कहते नहीं बनने देंगे, सो कहने से नहीं होगा। लालू यादव कह रहे मेरा सरकार इस बार बन रहा है, ना कहने से नहीं होगा। लालू यादव लॉन्गर होगी मोदी जगह 400 पार उपेंद्र कुशवाहा, लालू यादव कहते हैं ना जीतने देंगे, सो नहीं जीतेगा, किडनियों फेल में गर्दा उड़ा देंगे। 400 सीट जाएगा मोदी जी के 400 पार एग्जाम की रुकेंगे नहीं। यहाँ से तो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जीतेगा, पवन सिंह कौन सी नचनिया बजाना वैल्यू नहीं है, नचनिया बजानिया हाँ वैल्यू नहीं है। हम कोहरा काट के बेटा है नहीं है, उन्हें 10 लाख रुपए रकम भाई जाता है, बहुत भीड़ जुटा लेते हैं पवन सिंह। जितने मोदी में भीड़ है और जोगी में उतना पहुंच में नहीं है, जिसका वोट नहीं है वो वही सब उसमें है, तो फिर क्या वोट नहीं है वो? हाँ वही सब नचते हैं उसमें, भीड़ लगाते हैं, बहुत भीड़ लग जाता है। हाँ वही वो सब भीड़ लगाते हैं, वोटर भीड़ नहीं लगाता है उसमें सब। तेजस्वी लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी जी दाल नहीं करने वाला है, अब की बार किसी को दाल करने वाला नहीं है, कोई को दाल नहीं करने वाला है।
हाँ भाजपा हम लोग के लिए एकदम तहलका मचाने वाले हैं। विकास किया उपेंद्र कुशवाहा, विकास अब क्या करेंगे, अब क्या, अब कोई किया है, कोई किया है कि मैंने करेगा, अब क्या करेगा, क्या विकास किया है सो बताइए। मंच पर बैठे हुए पैखाना बनवाए, रोड बनवाए, बिजली माफ किए, चावल दिए, क्या नहीं दिए, पानी दिए, क्या ना, अब क्या दें, अब मैंने क्या दें बताइए। कुछ काम है नहीं किया, कहने दीजिए, विपक्ष नहीं कहेगा तो कैसे होगा उसका, कुछ काम है नहीं, कहते नहीं कि होना भी जरूरी है, तो होना भी जरूरी है, नहीं रहेगा तो कैसे होगा, बहुत महंगाई है। ना ना गलत बात है, महंगाई नहीं है, नहीं कुछ नहीं महंगा, अब ऐसा आराम कहाँ मिलेगा, भोजन घर बगली में पहुंचा जाता है, जब जरा घर पेंशन चल रहा था 200 रुपया तो उसमें 20 रुपया कटता था, अब का पैसा कटता है। कहते हैं कि मेरा जब सरकार था तो बहुत विकास, ना 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 गरीबी, वही बात कहते हैं कि वो 20 रुपया नहीं देने के बाद में पेंशन कट जाता था, नहीं मिलने वाला था, कौन गरीब मिल जाता है। हाँ अब बगली में आ रहा है, खाता में मत कहिए, घर ही आ रहा है, बगली आ रहा है, बगली खुश है, हाँ हाँ एकदम खुश है हम लोग, मोदी जी से खुश, मोदी जी से, देखिए लाल टोपी लगाया है मोदी जी का, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन जाएंगे ना तो क्या रोकने वाला है कोई, कोई नहीं रोकने, अरे एगो सीट नहीं मार्ग दूगो चार को खा जाएगा तो क्या मोदी जी रुक जाने वाले हैं, ऐसा बात मत सोचिएगा, एगो दूगो सीट मारने से नहीं होगा किसी को। राजा राम जी हुंकार भरा कि नहीं हम बनने, कोई हमें यहाँ बनने वाला नहीं है, थोड़ा झलक आ रहा है तो आने दीजिए, उसको हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है, ना ना कुछ नहीं होने वाला नहीं है, अब होने वाला नहीं है, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, हाँ बहुत कुछ हुआ, अब होने वाला, चाचा का हाल चाल मोदी के बड़े नहीं है, मोदी जी के, मोदी के बड़े बड़ा, मैंने